नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी रकम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो आरटी हार्डवेयर के लिए 17,000 करोड़ रूपए की PLI स्कीम को मोदी सरकार ने दी है मंजूरी। पैदा होंगे 75,000 नए जॉब। मोदी सरकार ने बुधवार को आईटी हार्डवेयर के लिए कुल 17,000 करोड़ रुपए के बजटीय खर्चे के साथ जो PLI 0.2 है उसको यहां पर मंजूरी दे दी है। वही सरकार के जो मंत्री जो है केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां पर मंत्रिमंडल की बैठक के बारे में जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 17,000 करोड़ रुपए के बजटीय व्यय के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दी है। वही कार्यक्रम की जो ये अवधि है वो 6 साल की हो, यानी सरकार की ओर से 6 साल के होने की बात यहाँ पर कही गई है। वही आईटी हार्डवेयर PLI स्कीम जो है 0.2 उसके तहत लैपटॉप, टैबलेट और सभी उपकरण जो है कंप्यूटर पर्सनल वगैरह यहाँ पर ये सारी इसके सर्वे यहाँ पर आदि आएंगे। वही मंत्री ने कहा है कि इस प्रोत्साहन योजना से यहाँ पर 3.5 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और 2,430 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है। इससे सीधे तौर पर 75,000 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। बता दें आपको कि सरकार जो है फरवरी 2021 में 7,350 करोड़ रुपए के व्यय के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए पहली PLI स्कीम को मंजूर सरकार ने दी थी। इसमें लैपटॉप, टैबलेट समेत सभी उपकरण युक्त पर्सनल कंप्यूटर के सर्वे यहां पर शामिल है। और सरकार को उम्मीद है कि PLI स्कीम का नया वर्जन जो है देश में कुल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रतिवर्ष $300 अरब तक बढ़ा देगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है टेलीकॉम कंपनियों को लेकर, ये बड़ी खबर देखिए। जियो और एयरटेल ने अपने साथ जोड़े हैं 20 लाख से ज्यादा नए ग्राहक। वोडाफोन आइडिया को हुआ है नुकसान। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो ने फरवरी महीने में 10 लाख से अधिक मोबाइल ग्राहक जोड़े हैं। वही वाईफाई ग्राहकों की संख्या जो है जनवरी में कुल 42.61 करोड़ के मुकाबले 72.71 करोड़ से अधिक हो गई है। वह टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ट्राई ने नए आंकड़े जारी किए, उसके मुताबिक एयरटेल में फरवरी में यहाँ पर लगभग 10 लाख के आसपास जो नए ग्राहक है वो जोड़े हैं, जिससे जो एयरटेल के ग्राहकों की संख्या जो है 46 यहाँ पर एयरटेल के ग्राहकों की संख्या जो है 36.98 करोड़ हो गई है। वही दूसरे और वोडाफोन आइडिया ने इस महीने सबसे ज्यादा ग्राहक हुए हैं। वही बाजार की साझेदारी भी इसमें यहाँ पर उसमें कम रखी है। वही ऑपरेटर वायरलेस क्लास में 20 लाख ग्राहकों को वोडाफोन आइडिया ने खोया है, क्योंकि मोबाइल ग्राहकों की संख्या जो है अब वोडाफोन की कम हो गई है, 23 करोड़ के आसपास यहाँ पर हो गई है। वही जनवरी के अंत में 114.3 करोड़, फरवरी के अंत में कुल यहाँ पर वाईफाई ग्राहकों की संख्या जो है भारत में घटकर 114.19 करोड़ यहाँ पर हो गए हैं। वही जनवरी 2023 के अंत तक शहरी क्षेत्र में वाईफाई जो मतलब इंटरनेट यूज करने वाले लोगों की ग्राहकों की संख्या उसमें यहाँ पर गिरावट आई है। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो खोए हुए स्मार्टफोन को ट्रैक करने के लिए सरकार की नई वेबसाइट जो है अब लाइव हो चुकी है। दरअसल मोदी सरकार ने खोए हुए फोन को ट्रैक करना जो है आसान बना दिया। दरअसल सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जो आपके फोन की लोकेशन के बारे में बताएगी। वैसे आप अपने चोरी या फिर गुम हुए स्मार्टफोन को ट्रैक जो है वो कर पाएंगे। दरअसल सरकार ने संचार साथी पोर्टल की शुरुआत की है। इस वेबसाइट के जरिए आप अपने फोन को ट्रैक करेंगे, यानी ट्रैक करने के लिए आपको अपने पास आपका फोन का जो IMEI नंबर जो है वो होना चाहिए। आप अपने बॉक्स में IMEI नंबर जो है वो देख सकेंगे। वही इस बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं। वही आपके फोन को ट्रैक करने के लिए आपको संचार साथी वेबसाइट है पोर्टल जो है उसके ऊपर जाना होगा। वही डिटेल एंटर करने यहाँ पर होगी। इसके बाद वेबसाइट पर आपके पास अपने पुराने फोन या फिर सिम कार्ड को ब्लॉक करने का ऑप्शन भी इसमें यहाँ पर शामिल होगा। वही इसमें आपको फोन को यहाँ पर ब्लॉक करने का भी आपका ऑप्शन होगा। ऐसा नहीं आपको फोन में हमेशा सिम हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगी। वही फोन मिल जाने पर आपको कुछ अनब्लॉक भी यहाँ पर मतलब सब कुछ जो है उसको अनब्लॉक भी यहाँ पर कर पाएंगे। वही संचार साथी पोर्टल लॉन्च होने के बाद से ये धोखाधड़ी करने वाले कनेक्शनों की पहचान करने में प्रभावी साबित हुआ है। इसमें 40 लाख से अधिक फर्जी कनेक्शन का पता चला है। 36 लाख से अधिक ऐसे कनेक्शन पहले ही काटे जा चुके हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो रेलवे ने दी है खुशखबरी, इस रूट पर जल्द दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। भारतीय रेलवे जल्दी गोवा को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है देने वाला है। दरअसल ये ट्रेन जो है मसूर पर्यटन स्थल मुंबई से जुड़ेगी। वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुंबई गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो मतलब ट्रायल रन है वो शुरू हो चुका है। वही ट्रेन सेवाओं की शुरुआत से पहले ट्रायल रन पूरा करने के लिए ट्रेन को मनगांव स्टेशन जो है वो पहुंचेगी। हालांकि भारतीय रेलवे की तरफ से बारे में कोई फिलहाल आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया। उम्मीद के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जो है ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। वही एक न्यूज मीडिया वेबसाइट का नाम ना यहाँ पर बताने के यहाँ पर सर पर एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेन जो है
परीक्षण के लिए अब मुंबई से यहाँ पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से गोवा के मडगांव स्टेशन के लिए रवाना हुई है। वही रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अधिकारी ने उद्घाटन की अपेक्षित तिथि प्रस्ताव मार्ग के बारे में वितरण देने से इनकार कर दिया है। यही कहते हुए कहा कि इन विवरणों का अंतिम रूप यहाँ पर दिया जाना बाकी है। वही मुंबई जो मतलब आर्थिक राजधानी मुंबई से गोवा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो चौथी हाई स्पीड ट्रेन जो है मुंबई की होगी। वह लॉन्च होने के बाद 16वां वंदे भारत रूट ये होगा। हालांकि यहाँ पर रेलवे ने नागपुर बिलासपुर मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को सेवाओं को यहाँ पर बंद कर दिया और कम यात्रियों के कारण इसे तेजस एक्सप्रेस के रूप में यहाँ पर बदल दिया।